हेलो एंड वेलकम टू ऑल व्यूअर्स, आज हम बात करेंगे हीमोफीलिया के बारे में। इस रोग से संबंधित इस वीडियो में आपको क्या जानकारी मिलेगी, सबसे पहले उस पर एक नज़र डाल लेते हैं। हीमोफीलिया क्या है, हीमोफीलिया ए और बी, हीमोफीलिया किसे होता है, मुझे कैसे पता चलेगा कि हीमोफीलिया है, जो मांसपेशियों में अंदर ब्लीडिंग होती है वो कब शुरू हो जाती है, आंतरिक रक्तस्राव या ब्लीडिंग किसको होता है, कौन सी मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, कौन से रक्तस्राव से जान को खतरा हो सकता है, और जो मांसपेशियों में या शरीर के अंदर जो रक्तस्राव के लिए प्राथमिक उपचार क्या हैं, हीमोफीलिया के क्या इलाज हैं, इन सभी के बारे में हम एक एक करके आज इस वीडियो में जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को और जानते हैं हीमोफीलिया के बारे में। हीमोफीलिया एक ऐसा रोग है जो बहुत कम लोगों में होता है। ये परिवार संबंधित रोग है, यानी ये आनुवंशिक रोग है। इसका प्रभाव मुख्य रूप से पुरुषों में ज़्यादा होता है। हीमोफीलिया से ग्रस्त लोगों में क्लॉटिंग फैक्टर नाम का जो प्रोटीन है वो बहुत कम होता है, जबकि ये क्लॉटिंग फैक्टर नेचुरली खून में पाया जाता है। और जब ये खून में कम बनता है तो साधारण सी चोट लगने पर या स्क्रैच लगने पर खून बहता रहता है। जैसा कि हम और आप देखते हैं कि साधारण तौर पर हमें और आपको चोट लगने पर या स्क्रैच लगने पर थोड़ी देर में ही खून काला हो जाता है और खून अपने आप रुक जाता है, लेकिन जिन लोगों को हीमोफीलिया है उनमें ऐसा नहीं होता, उनमें खून जल्दी नहीं रुकता। हीमोफीलिया ए और बी, हीमोफीलिया के दो प्रकार हैं, ए और बी। अगर हीमोफीलिया ए है तो उसमें क्लॉटिंग फैक्टर 8 का स्तर बहुत कम हो जाता है या वो बहुत कम मात्रा में होता है, और जिनको हीमोफीलिया बी है उनमें क्लॉटिंग फैक्टर जो 9th है वो सही नहीं होता, जिसकी वजह से हीमोफीलिया में क्लॉटिंग प्रक्रिया में जो समय है वो बहुत बढ़ जाता है और व्यक्ति का जो खून है वो रुकता नहीं। हीमोफीलिया किसे होता है, हीमोफीलिया से ग्रस्त लोग जन्म से इससे प्रभावित होते हैं, और अधिकांश लोग जिनको हीमोफीलिया है उन लोगों के वंश के इतिहास में हीमोफीलिया हुआ होता है, और इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि ये एक आनुवंशिक रोग है। मुझे कैसे पता चलेगा कि मुझे हीमोफीलिया है, अगर आप इनमें से किसी भी सवाल का जवाब हाँ में देते हैं तो आपको रक्तस्राव की परेशानी हो सकती है, यानी आपको ये बीमारी हो सकती है। क्या आपके जोड़ों में, मांसपेशियों में स्वाभाविक रक्तस्राव होता है, यानी अगर ऐसा आपके साथ कभी भी हुआ है तो आपको वो जगह नीली दिखाई देगी, जैसे कि आमतौर पर चोट लगने पर या गिर जाने पर हमारे हाथों में निशान सा दिखने लगता है, उस तरह से। क्या आपके मित्र या आपके दोस्त जिनको कभी चोट लगती है, और अगर आपको चोट लगती है तो आपको अपने अंदर ज़्यादा खून बहता हुआ महसूस हुआ है कभी, कि दूसरों की अपेक्षा मेरा खून ज़्यादा बहता है, रुकता ही नहीं है। क्या आपकी छोटी सी चोट में गंभीर रक्तस्राव होता है, जैसे मैंने बताया था कि अगर हमें स्क्रैच भी लग गई या छोटी सी भी कहीं खरोंच लग गई तो उसमें से ब्लीडिंग हो रही है, और दबाने पर उसको बार बार रोकने पर भी वो रुक नहीं रही है, वहाँ पर वो खून काला होकर अपने आप नहीं रुक रहा है, क्या आपके साथ ऐसा होता है या कभी हुआ है? क्या आपके भाई या परिवार के किसी भी रिश्तेदार में, करीबी रिश्तेदार में किसी को हीमोफीलिया की बीमारी रही है? क्या आपके पेरेंट्स ने कभी आपको बताया कि दांतों के निकालने या इसके इलाज में आपको गंभीर ब्लीडिंग हुई, खून नहीं रुका? अगर इनमें से किसी का भी जवाब हाँ में है तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप डॉक्टर से इस बारे में ज़रूर कंसल्ट करें और अपनी प्रॉब्लम की जाँच ज़रूर करवाएँ। रक्तस्राव कब शुरू होता है, हीमोफीलिया के पेशेंट को अगर कभी दांतों में कोई प्रॉब्लम होती है या फिर कभी चोट लग जाती है या ऑपरेशन उसका कभी होता है तो उन स्थितियों में उसका खून नहीं रुकता, ये सबसे बड़ी पहचान है। आंतरिक रक्तस्राव किसको होगा, जिन लोगों में हायर लेवल या मीडियम लेवल का हीमोफीलिया है उन लोगों में ये आम है और ये बिना किसी चोट लगे भी हो सकता है। कौन सी मांसपेशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं, तो इसमें जांग, बाजू, पिंडली और पेट के पास की मांसपेशियां सबसे ज़्यादा प्रभावित होती हैं। कौन से रक्तस्राव से जान को खतरा हो सकता है,
हीमोफीलिया में मस्तिष्क के अंदर होने वाला रक्तस्राव सबसे खतरनाक है और ख़ासकर बच्चों में इसका सबसे ज़्यादा हमें ध्यान रखना है और प्रॉपर डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन में रहना है। रक्तस्राव के प्राथमिक उपचार क्या हैं? अगर आपने डॉक्टर का ट्रीटमेंट लिया है तब भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं, अगर उस पर ध्यान दें तो वो ट्रीटमेंट भी काफ़ी प्रभावी हो सकता है। जिसमें सबसे पहला है कि जिस भी पार्ट में आपके ये रक्तस्राव हुआ है उस पार्ट को आपको आराम देना है। यानी मान लीजिए अगर बाजू में है तो फिर आपको तकिया इस तरह से लगाना है कि उस एरिया पर ज़्यादा दबाव ना पड़े और रिलैक्स फील हो और आप आराम से तकिया लगाकर लेट जाएं। अगर आपके कोहनी में या जोड़ में प्रॉब्लम है तो आप उसे गर्दन से उस हाथ को एक बेल्ट के सहारे लटका भी सकते हैं जिससे कि उस पर ज़्यादा दबाव ना पड़े। बर्फ़ की सिकाई भी आप इसमें कर सकते हैं। बर्फ़ को किसी गीले या नम कपड़े में बांधकर और जहाँ पर आपको रक्तस्राव हुआ है उस जगह पर 5 मिनट तक रखना है। इसके बाद 10 मिनट तक इसको हटाने की ज़रूरत है जिससे कि बॉडी में टेम्परेचर मेंटेन रहे, और फिर उसके बाद आप उसको फिर 5 मिनट तक रखें और फिर 10 मिनट तक ना रखें। अगला तरीका है कि कपड़ा थोड़ा ज़्यादा हाथ में लेकर प्रभावित एरिए पर आप उसे रखकर थोड़ा सा दबाएं जिससे कि जो अंदर रक्तस्राव है वो रुक जाए, और इतना ज़ोर से भी दबाव ना डालें कि हमारा ब्लड सर्कुलेशन ही प्रभावित होने लगे। यानी एक नॉर्मल थोड़ा सा प्रेशर उस पर देना है उस एरिया पर जिससे कि जो रक्तस्राव की जो समस्या है वो थोड़ी कम हो जाए। अगला है कि जिस एरिया में रक्तस्राव हो रहा है उस जोड़ को या उस मांसपेशी को हमें अपने हृदय की के स्तर से जो है ऊंचा उठा लेना है। यानी अगर हाथ में है तो हाथ को भी हम थोड़ा सा ऊंचा उठा सकते हैं। अगर वो पैर की स्थिति है तो पैर में हम लेट जाएं और लेटने के बाद पैर को थोड़ा सा ऊंचा कर लें जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन वहाँ पर स्लो हो जाए और अगर अंदर मांसपेशियों में रक्तस्राव हो रहा है तो वो अपने आप ही कम हो जाए। व्यूअर्स, अब हम बात करेंगे हीमोफीलिया के एक इम्पॉर्टेंट पार्ट पर, यानी हीमोफीलिया का इलाज क्या है। ज़रूरी क्लॉटिंग फैक्टर वाली दवा देकर ब्लड में उस क्लॉटिंग फैक्टर की कमी को पूरा किया जा सकता है, और ये कमी 3 तरीके से पूरी की जा सकती है, जिसमें पहला है फ्रेश प्लाज्मा, दूसरा है क्रायोप्रेसिपिटेट और तीसरा है फैक्टर कंसनट्रेट। क्लॉटिंग फैक्टर की कमी को इन 3 तरीकों से दूर किया जा सकता है, और हम ये कह सकते हैं कि अगर हम इन तरीकों को अपनाते हैं तो हीमोफीलिया की बीमारी को हम अपने से काफ़ी दूर रख सकते हैं। तो अगर आपको या आपके किसी भी रिलेटिव को ये प्रॉब्लम है तो एक चिकित्सक से जाकर अच्छे से सलाह लें, अपना अच्छे से चेकअप कराएँ और इसके बाद में इसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लें। अगर आपके इस वीडियो से संबंधित कोई भी सवाल है, आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या आप इससे पहले के वीडियो से रिलेटेड कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट ऑप्शन में मुझे सवाल कर सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिप्लाई यू। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर मिलूँगा। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, बाय बाय।